और आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। नरिमन पॉइंट पे ये खास इंतजाम किए गए हैं, रतन टाटा का पार्थिव शरीर है जहां पर लोग अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सुबह 10 बजे से बताया जा रहा है 3:30 बजे तक अंतिम दर्शन होगा और उसके बाद वो जो प्रक्रिया होती है अंतिम क्षणों में राजकीय सम्मान देने की, उसके बाद अंतिम संस्कार किए जाने की, वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जाने माने दिग्गज रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं और दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड के तौर पर रतन टाटा का नाम रहा। एक एरा का अंत है, एक युग का अंत है और ग्लोबल रतन के नाम से भी जाने गए। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि उनकी शुरुआत किस तरह से हुई और वो कैसे ग्लोबल ब्रांड बन चुके थे रतन टाटा, और उन्होंने अपने साम्राज्य को, अपने बिजनेस को इस कदर आगे बढ़ाया कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उनकी पहचान टाटा के तौर पर एक तरह से मशहूर हुई। घर घर में टाटा के नमक से लेकर एरोप्लेन तक सब कुछ लोग उनको लोग कनेक्टेड फील करते हैं। लोग एहसास है लोगों को कि रतन टाटा का जाना कितनी बड़ी क्षति है, कितना बड़ा नुकसान है देश के लिए। तो बाकी दिग्गजों को जो पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शनों के लिए, वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। रतन टाटा इस उम्र में भी, 85 साल की उम्र में भी सक्रिय रहे, इन तस्वीरों में साफ झलकता है। और आपको बताते हैं कि कैसे उनकी ग्लोबल पहचान रही, ग्लोबल रतन के तौर पर वो जाने गए। एरोस्पेस में टाटा एडवांस सिस्टम एरोस्पेस में उनका नाम काफ़ी रहा। मेटल्स टाटा स्टील, टाटा मेटलिक्स में भी उनका नाम रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर में टाटा पावर, टाटा हाउसिंग, टाटा प्रोजेक्ट्स, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड, ये उनका नाम रहा इंफ्रा क्षेत्र में। इसके अलावा आपको बता रहे हैं ट्रैवल क्षेत्र में अलग अलग सेक्टर्स में कैसे एक रुतबा रहा है टाटा इंडस्ट्रीज का, टाटा सन्स का, ये दिखा रहे हैं हम आपको। ट्रैवल क्षेत्र में देखिए ताज, विस्तारा, विवांता, एयर एशिया, एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस और जिंजर, ये उनकी कंपनियां रही ट्रैवल क्षेत्र में। ग्लोबल रतन टाटा किस तरह से आगे बढ़े रिटेल एंड ई कॉमर्स क्षेत्र में, आपको बता दें इसमें क्रोमा, टाटा क्लिक, टाटा NEU, टाटा स्टार 1MG, स्टार क्विक, बिग बास्केट, स्टार बाजार, ये सब टाटा के ही विंग रहे, टाटा के ही पंख इसमें आगे बढ़ते रहे। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गई टाटा कंपनी, टाटा क्लास एज, TCS, टाटा लेक्सी। फूड एंड बेवरेजेस में भी, इस सेक्टर में भी बहुत टाटा का नाम है, टाटा सॉल्ट, टाटा बक्स, इसके अलावा स्टारबक्स कॉफी, टाटा टी, टाटा सॉल्यूफुल, टाटा संपन्न, ये तमाम सेक्टर ऐसे हैं जिसमें टाटा का रुतबा, टाटा की शान और शौकत दिखती है। आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला जब पहुंचे, उन्होंने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी, उनकी उन्होंने संवेदनाएं रखी परिवार के प्रति। उनका क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। का जीवन ऐसा था कि वहाँ से बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं। मेरा ये प्रिविलेज था कि मैं उनके साथ काफ़ी मेरी करीबता रही कई सालों तक और बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे, और आदर्श पुरुष थे कई कई तरह से। तो हमको उनकी जो जिंदगी है सेलिब्रेट करना चाहिए। सर कोई ऐसी बात जो आपको याद आती है उनसे हुई मुलाकात के दौरान, कोई ऐसी बात? हमेशा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, उनको अपने कंपनीज के बारे में हमेशा सोचते थे 24/7। आउटस्टैंडिंग पर्सन। और अंतिम दर्शनों के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया है रतन टाटा का, और लोग आ रहे हैं, भारी संख्या में लोग यहां पर जुट रहे हैं। और आगे का कार्यक्रम क्या है, किस तरह से अंतिम संस्कार को आगे बढ़ाया जाएगा, राजकीय सम्मान दिया जाएगा, राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त सीधे मुंबई से और उसी जगह से जहाँ पर पार्थिव शरीर उनका रखा गया है। राजीव, आगे का कार्यक्रम क्या बताया जा रहा है कि किस तरह से बढ़ेगा, क्योंकि जो समय बताया जा रहा है कि 3:30 बजे तक लोग आखिरी दर्शन कर पाएंगे। राजीव, बिल्कुल, देखिए अभी 12:15 बज रहे हैं और 3:30 बजे तक पार्थिव शरीर जो है वो NCPA के लाउंज में है। वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो हैं कतारबद्ध तरीके से आ रहे हैं, चाहे वो उनके
जानने वाले हैं या फिर उनके करीबी रहे हुए तमाम लोग जो है एक एक करके वहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो VIP थे वो भी पहुँच रहे हैं, उनके समकक्ष यानी कि उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला की बातें भी हमने अपने दर्शकों को सुनाई। कुमार मंगलम बिरला से भी हमने पूछा कि क्या ये इस क्षति को पूरा किया जा सकता है, तो कुमार मंगलम बिरला ने साफ तौर पर कहा कि इस क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता, उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और इसके बाद में यहाँ पर अगर इस निधन के बाद में अगर आगे की घटना की बात करें तो लगभग 4 बजे के आसपास में पार्थिव शरीर जो है यहाँ से वर्ली शमशान भूमि जो कि पारसी शमशान भूमि है वहाँ पर लेकर जाया जाएगा। वहाँ पर हॉल में एक प्रेयर किया जाएगा जिसमें 200 के करीब लोगों को अनुमति दी गई उस प्रेयर में शामिल होने के लिए, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से सिर्फ परिवारजनों और नज़दीकी लोगों को ही उस प्रेयर में शामिल होने के दिशा निर्देश हैं। मुंबई पुलिस की तरफ से बहुत ज़्यादा भीड़ न होने पाए इसका ध्यान रखा गया है और 45 मिनट तक ये प्रेयर चलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस प्रेयर में एक प्रक्रिया होती है पारसी समाज की अहनावोती वो प्रक्रिया उसे पूरा किया जाएगा लगभग 45 मिनट तक। इसके अलावा एक गेहूं सारनू पढ़ा जाता है जो कि पारसी समाज की प्रक्रिया होती है अंतिम विदाई देने समय, उसमें इन तमाम चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा। और लगभग 45 मिनट के बाद में इलेक्ट्रॉनिक जो सौदा गृह होता है उसके ज़रिए उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। और ये हमने पिछली बार साइरस मिस्त्री को भी देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक सौदा गृह के ज़रिए उनका अंतिम संस्कार किया गया था, और इस बार भी जो उनके करीबी है और जो टाटा ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं या मुंबई पुलिस से जुड़े हुए लोग हैं वो तमाम लोग यही बात बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सौदा गृह में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो पूरा का पूरा जो एक प्रक्रिया है उसको फॉलो किया जा रहा है। और यहाँ पर NCPA के बाहर मैं मौजूद हूँ, सुबह से ही बड़ी संख्या में टाटा ग्रुप से जुड़े हुए जो कर्मचारी अधिकारी नहीं बल्कि आम लोग भी पहुंच रहे हैं। लोग ये पूछते भी आ रहे हैं कि किस गेट से अंदर जाना है, कैसे जाना है, क्या अंदर जाने के लिए किसी तरह की कोई इजाज़त लेनी पड़ेगी, कोई परमिशन है क्या। ऐसे बहुत सारे लोग हमें भी मिले, हमने भी उन्हें रास्ता बताया कि वो किस गेट से अंदर जा सकते हैं, किसी की इजाज़त लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल राजीव, पुलिस लोग अपना पर्सनल लॉस महसूस कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी क्षति महसूस कर रहे हैं रतन टाटा के जाने से, इसलिए आम लोग भी आम जनमानस भी बड़ी संख्या में इस वक्त जुट रहे हैं जहाँ पर नरीमन पॉइंट से तस्वीरें राजीव दिखा रहे थे। और एक बहुत खास बात ये कि अंतिम संस्कार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अंजाम तक पहुँचाया जाएगा, ये टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए ये भी एक फैसला लिया गया है।